हमारा रोल वैसा ही है जैसे यूरोप और अमेरिका में हमारे काम करने वालों का होता है, रोल एक ही है लेकिन तरीकेकार अलग अलग है। उनका रोल इसलिए अच्छा है कि उनकी सरकार जिसके लिए वो काम करते हैं वो उनकी सहायता के लिए हमेशा साथ साथ रहते हैं। हम इसके बरक्स हमारी रियासत में इस जगह इस खत्ते में सरकार कभी भी हमारी सहायता के लिए राहें हमवार करने के बजाय दुश्वार बना रही है। जैसे कि आपको मालूम है पिछले कई महीनों से, पिछले एक साल से एक रीत चली है कि इलीगल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल की वजह से हमारी तामीर तरक्की में काफ़ी खलल पैदा हो गया, जिस खलल की वजह से हमारी तामीर तरक्की में काफ़ी दुश्वारियां पैदा हो गई। उसके साथ साथ हम समझते हैं, आपको हम जामिन बना रहे हैं कि हम जवाबदेह हैं, जो भी सरकार के द्वारा सरकार के जरिए हम काम करते हैं उसके खामियों को पुर करने के लिए हम जवाबदेह, पहले इस बात का हमें याद करना चाहिए। और साथ ही में सरकार को भी जो हमारे लिए सहायता और सहूलतें बहम करने के लिए उनको आगे आना चाहिए वो नहीं आती है, वही शिकायत हमारी यही है। सैलाबी सूरत हाल से निकालने के लिए हमारा ही तबका था जिन्होंने रियासत को फिर उसी डगर पे लाया और अपना सरमाया लगाया, अपनी एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर होती है उसको लगाकर हमने रियासत को फिर उसी निज़ाम पर उसी डगर पर खड़ा कर दिया। लेकिन चार साल से हम अभी जूझ रहे हैं वो पैसे रिलीज होने के लिए। इस साल हमारे एक अच्छे अफसर रियासत के इस एडमिनिस्ट्रेशन में, एक अच्छे अफसर जिनका नाम शैलेंद्र कुमार है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फॉर PWD है, जिन्होंने अपने अनथक कोशिशों से वो उस पेमेंट का एक चौथाई हिस्सा हमें रिलीज करवाने में हमारी सहायता की। और गवर्नर साहब भी हम समझते हैं वो भी काइंड रहे कि उन्होंने वो पैसे हमें वागुजार करने में अपने डिसीजन दे दिए। लेकिन जहां हमारी शिकायतें हैं वो शिकायतें ये हैं कि अगर तामीर तरक्की रियासत में करनी है तो उसके लिए तो जो वसाइल जो तरीक़ाकार होना चाहिए वो कहाँ है। अगर इस वक्त दो साल से इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ मटीरियल हो रही है, कश्मीर का जो असासा है वो गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है। वो पहले तरीक़ाकार ये था कि एक लोकल जिम्मेदारी के साथ लोकल लोग उसको निकालते थे, फिर दूसरे तरीकों से वो बेचते थे, उसको सरकार रॉयल्टी की सूरत में एक अच्छी रकम जमा करते थे, फिर आसानी के तौर पर वो क्रशर्स के लिए इस्तेमाल होता था, क्रशर वालों से मैग्नम वाले इस्तेमाल करते थे, मैग्नम वाले फिर सड़कों के लिए वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखिए, आपको पता है, आप बखूबी वाकिफ़ है कि रियासत के अफसरान जो है उन्होंने इलीगल तरीका इख्तियार किया है। हमें कहीं पता नहीं है, आप ही इसमें हमें मदद कर सकते, कहीं पता नहीं है ये बाजरी जो सड़क के लिए लगानी है ये कहाँ से हमें मिलेगी, क्रशर के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल ज़रूरत है 100 यूनिट है, हम 100 मैग्नम प्लांट ओनर्स कश्मीर में इस वक्त मौजूद है जिन्होंने काफ़ी हद रकम सर्फ करके रियासत की सरमाकारी में अपने वो यूनिट लगाए। लेकिन उन यूनिटों को चलाने के लिए जो तरीक जो मसाइल हमें दरपेश है, नए नए कवानीन निकल रहे हैं जी, आपको ये NOC चाहिए, ये NOC चाहिए। अब इन्हीं जो हम जिन अफसर का हमने जिक्र किया शैलेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने अपनी सहायता और अपनी कैपेबिलिटी सामने रख कर उसको इस्तेमाल करके उसमें कमी करवा के सिर्फ 2 NOCs अब सामने रखी और उन्हीं पर हमें यूनिट चलाने ले